आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबरारी गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव नगर पालिका विस्तार से, जहां नगर पालिका द्वारा 14 करोड़ की विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन वित्त और पेट्रोकेमिकल मंत्री माननीय कनुभाई देसाई द्वारा, विधायक रमन भाई पाटकर, जिला प्रमुख हेमंत भाई कंसारा, जिला पंचायत प्रमुख मनहर भाई, जिला उप प्रमुख पप्पू तिवारी जी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में पार्टी के गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेहमानों का स्वागत नगर पालिका प्रमुख मनीष राय, उप प्रमुख जयश्री बेन, कारोबारी अध्यक्ष अंकुश कामली द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका में भारी उथल पुथल देखने को मिला। पालिका के कांग्रेस के 5 नगर सेवक सुरेश यादव, जो कि विपक्ष के नेता भी थे, साथ ही कांग्रेस के शहर प्रमुख भी थे, उनके साथ दिलशेर चौहान, प्रभास सिंह, सुभद्रा मौर्य और नैना बेन दुबला ने मंत्री कनुभाई देसाई और विधायक रमन भाई पाटकर, जिला प्रमुख हेमंत कंसारा, उप प्रमुख पप्पू तिवारी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आइए सुनते हैं इस मौके पर, आपको बताते चलें कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता वशिष्ठ चौरसिया भी बीजेपी में शामिल हुए। आइए सुनते हैं इस मौके पर सबने क्या कुछ कहा। उमरगांव से कैमरामैन विजय के साथ ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। रहीने एक उमरगांव नो नव विकास नो मॉडल बने एना माटे आशय थी जोड़ाई रहा छे। सबने हूँ आवकारु छु, अभिनंदन आपू छु अने भविष्य में अपने साथ रहीने उमरगांव ने एक सुंदर शहर કોંગ્રેસ મુક્ત કરવાનો લક્ષ્યાંક નથી, પરંતુ જે વિકાસના કામો થાય એ વિકાસના કામો સરળ રીતે થાય એટલા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે વિચારસરણી છે, નહીં જાતિવાદ, નહીં ભાષાવાદ, નહીં પ્રાંતવાદ, પણ જ્ઞાન, જે રીતે નરેન્દ્રભાઈએ કીધું છે કે ગરીબ, યુવાન, અન્નદાતા અને નારી શક્તિ, આ ચારનો જ વિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય છે અને એ દિશામાં જ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। અમારા અહીંયા 22 સભ્ય હતા, તે પૈકી 6 સભ્ય કોંગ્રેસના હતા અને એમાંથી 5 નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સભ્યશ્રીઓ આજે ભાજપની અંદર જોડાઈ જાય છે, એ જ બતાવે છે કે લોકોની લાગણી હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે અને એ પણ એટલા માટે સાથે છે કે આ દેશના ધાર્મિક સ્થળોનો વિકાસ થયો, નગરપાલિકા 165 છે તેનો વિકાસ થયો અને જે આપણી પંચાયતો છે એને પણ માન્ય દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ સ્વતંત્ર હક આપ્યો છે અને એક વ્યક્તિ ઉપર 488 રૂપિયા જે મળે છે એ દ્રષ્ટિએ લાખો રૂપિયા ગ્રામ પંચાયતની અંદર સીધી રીતે ગ્રાન્ટ મળે છે, પરિણામે ગામના પ્રશ્નો પણ હલ થઈ ગયા છે। એટલે સૌને લાગણી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સર્વેનો સાથ લઈને કામ કરી રહી છે અને એટલા માટે દરેક જગ્યા પર ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ વધી રહી છે। આ વખતે ઇલેક્શનની અંદર 1,30,000 માન્ય શ્રી કનુભાઈએ મને કહ્યું છે કે લીડ તમારે 1,30,000 લાવવાની છે, તો એનો અમારો પ્રયત્ન છે અને ચોક્કસ અમે 1,30,000 બધાના સહયોગથી અમે મેળવીશું। યાદવ સુરેશભાઈ, શું જોઈને ભાજપમાં જોડાયા છો?
देखो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं लगभग, मेरे को जहाँ तक ख्याल है 96 या 97 की बात है जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर बना था, फर्स्ट टाइम वोट मैंने कमल के फूल को दिया हूँ। तो आप ये मत बोलो भाजपा में जुड़ाया था, भाजपा का ही मैं आदमी हूँ, मैं हमेशा भाजपा के लिए ही काम किया हूँ। बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हमारे बीच में, हम लोग के, हमारा नेतृत्व कर रहे थे हम लोग के नेता अनिल भाई जैन थे, इन्होंने बीच में 2016 में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे, तो हम भी कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे। तो अनिल भाई ने तो 4-5 साल पहले घर वापसी कर लिया था। हम तो 2021 में जब इलेक्शन लड़ा उमरगांव नगर पालिका वार्ड नंबर 6 में, जीत के आने के बाद मैंने नगर पालिका में जब आया तो नगर पालिका में मैंने देखा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास पहले मुझे एक छलावा दिखता था, लेकिन जब मैंने पालिका में आया तो मैंने एक भाजपा की नीति देखा, भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास जो एक नारा है वो जमीन पे उतारा है। तो हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, हमारा कोई काम होता है, कुछ बोलने जाते हैं तो बिंदास काम होता है, इस सबसे प्रेरित होकर। उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, उससे प्रेरित होकर, उसके बाद जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास का, उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया। जब पहला टर्म 2.5 साल बीतने के बाद दूसरे टर्म में मनीष भाई राय को जब प्रमुख बनाए, एक उत्तर भारतीय थे, उससे और मन में खुशी आई और मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पुरानी पार्टी, घर की पार्टी, मुझे घर वापसी करना चाहिए। तो बीच में MLA साहब ने मुझे 1-2 बार बोले घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। MLA साहब का एक व्यवहार अच्छा है, कोई भी पक्ष हो, कोई भी जात हो, कोई धर्म हो, इनके पास काम लेके जाता है या फ़ोन करता है, इन्होंने तुरंत उनका काम करके देता है। ये सब से मैंने प्रेरित होके मैंने घर वापसी किया। ये आप मत बोलिए मैं कांग्रेस छोड़ के आया, मैंने भाजपा का था, वापस मैंने भाजपा में ही आया हूँ। तीसरी बात, हमको सबसे ज़्यादा मन को विचलित किया जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो कांग्रेस पार्टी जब प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराती है तो हम ही नहीं, पूरे देश का, मुझे लगता है कि भारतवर्ष का एक एक नागरिक को मन में तकलीफ हुआ होगा। जो भारत, जो राम का देश है, राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो, उन्होंने राम का मंदिर बनाने के लिए इतना वकील खड़ा किया, इतना बाधाएं लाई, उसके बाद जब राम मंदिर बन के तैयार हुआ उसके बाद वो खुशी भी नहीं मनाए, तो मन को बहुत विचलित किया। उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया ऐसी पार्टी में रह के कोई मतलब नहीं है। आपके कितने साथी थे और क्या फर्क पड़ेगा इसमें, थोड़ा नाम भी बता दो। 2021 में नगर पालिका चुनाव में हमने वार्ड नंबर 6 में पूरा पैनल जीता था, जिसमें मैं था, दिलशेर भाई चौहान थे, महिलाओं में एक सुभद्रा मौर्या जी थी, प्रभा सिंह जी थी, चारों के चारों पैनल जीते थे। दो वार्ड नंबर 3 में 3 जीते थे, तो एक हमारा सदस्य का देहांत होने के बाद तो वहाँ वाइप बाई इलेक्शन हुआ था, तो मनीष भाई जीत के आए थे, दो सब भी वहाँ थे, तो वहाँ से भी एक सब हमारे साथ में आए हैं, नैना बहन दुबला। तो टोटल हम लोग 6 में से 5 जन आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन।